अटल जी जैसे व्यक्ति तैयार होने में सालों लग जाते हैं और हर व्यक्ति को वैसा तैयार किया नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे व्यक्ति का जाना ये तो सबकी क्षति है। और ऐसा एक स्वयंसेवक नियति के कारण हमने खो दिया, ये हमारी भी क्षति है। क्योंकि 9वीं कक्षा में थे तब से वो शाखा में जा रहे थे, बाद में वो प्रचारक भी रहे, राजनीतिक जीवन में भी प्रचारक के नाते ही उन्होंने पदार्पण किया। और स्वयंसेवकत्व के संस्कारों को राजनीति में प्रकट करना, यही काम उन्होंने पूरा किया है। तो जो स्वयंसेवक हमारे राजनीति में सक्रिय होते हैं उन लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल है, एक टेम्पलेट है, जिसको ध्यान में रखकर वो अपनी कीर्ति बनाए। तो एक ऐसा सामने जो मॉडल था वो एकदम अदृश्य हो गया, यानी वो विश्वास नहीं होता कि नहीं रहा, जो उन्होंने किया है वो तो सबके सामने रहेगा ही, लेकिन वो थे तो वो है, ये एक जो भाव था एकदम चला गया, तो रिक्तता तो सभी के मन में आई। भारत को संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवहार में एक बराबरी के व्यवहार के धरातल पर लाकर खड़ा करने का काम उन्होंने किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पेचीदगियों में कहीं भी न झुकते हुए, लेकिन कहीं भी अपना उद्देश्य आक्रामक है ऐसा मत बनने न देते हुए, वो कहते थे कि हम प्रलय के पक्षधर नहीं हैं, हम तो शांति के पक्षधर हैं, लेकिन प्रलय का सामना करना पड़े तो डरने वाले भी नहीं हैं, इस प्रकार का एक रवैया उन्होंने चलाया। और ये करते समय उन्होंने उस राजनीति का पिछला जो भूतकाल था भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भविष्य का ये जो रास्ता उन्होंने, इसमें कहीं अंग्रेजी में कहते हैं सीमलेस, ऐसा वो किया, यानी उस भविष्य के लिए उस भूत को नकारना नहीं पड़ा और उस भूत के लिए भविष्य को रोकना नहीं पड़ा, इस प्रकार से उन्होंने चला। और भारत के अंतर्गत राजनीति में तो जिनकी ओर देख के राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीति में कैसे रहना, राजनीति करते हुए भी राष्ट्रनीति पर कैसे बने रहना, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए भी पूरे समाज और पूरे देश के हित का विचार करके कैसे चलना, इस संबंध में करने बोलने की मर्यादाएं क्या होती है, विरोध को कितना खींचना आदि सारी बातों की, ये जो मर्यादा अपने आचरण से दिखाने वाले भारत के राजनीति के जो दिग्गज हो गए हैं उसमें अटल जी का बहुत मूर्धन्य स्थान है, ऐसा मैं मानता हूं।